लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग, इलाज ना मिलने की वजह से 4 मरीजों की मौत। ट्रॉमा सेंटर में आग लगने के बाद 6 सिलेंडर फटने से बिगड़े हालात, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए, ट्रॉमा सेंटर से निकाले गए मरीज। कल रात ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल में लगी थी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, मुख्यमंत्री योगी ने जांच के लिए बनाई कमेटी। कश्मीर में अशांति के लिए पहली बार सीधी तौर पर आया चीन का नाम, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीर में दखल दे रहा है चीन। दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद बोली महबूबा, कश्मीर में हालात बिगाड़ने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ। महबूबा ने बताया अमरनाथ यात्रियों पर हमले से देश में दंगे भड़काने की थी साजिश, कश्मीर समस्या का हल निकालने के लिए पूरा देश मिलकर दे साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई जेडीयू विधायकों की आपात बैठक, भ्रष्टाचार के आरोप में तेजस्वी यादव पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी जेडीयू में तनाव के बाद लालू नीतीश में बातचीत भी बंद हुई है, तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे तो नीतीश तोड़ सकते हैं गठबंधन। यूपी विधानसभा में खतरनाक विस्फोटक मिलने पर पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का बड़ा दावा, कहा साजिश के पीछे हो सकता है दाऊद गैंग का हाथ। जी न्यूज से बोले अमर सिंह, दाऊद का मुखौटा है समाजवादी पार्टी नेता, अबू आजमी आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों को मुंबई में देते हैं आसरा। सन टीवी नेटवर्क को एफएम रेडियो के फेज 3 का लाइसेंस देने पर सुब्रमण्यम स्वामी का विरोध, सूचना प्रसारण मंत्रालय से पूछा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले क्यों दिया लाइसेंस। अलगाववादी नेता मोहम्मद यासीन मलिक जमानत पर रिहा, 3 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इंडियन ऑयल के 5 टैंकर्स में भीषण आग लगी, 3 घरों को भी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड्स की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, पूरा इलाका खाली कराया गया। एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी करेंगे अहम बैठक, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा होगी। मॉनसून सत्र को लेकर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बुलाई आज सर्वदलीय बैठक, 17 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून का यह सत्र। कांग्रेस सहित 18 विपक्षी दलों की आज बैठक, मॉनसून सत्र को लेकर सरकार को घेरने के लिए बनाई जाएगी रणनीति। शाम 4 बजे होगी विपक्षी दलों की बैठक, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मीरा कुमार भी होंगी मौजूद। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुंबई में आज विपक्षी पार्टियों की बैठक, कांग्रेस एनसीपी और दूसरी पार्टियां भी शामिल होंगी। मुंबई पहुंचे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने उद्धव ठाकरे से फोन पर की बात, समर्थन के लिए आभार जताया। असम में बारिश से हालात बेहद खराब, 26 जिले बाढ़ से प्रभावित, 59 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में बाढ़ के हालात, 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जामनगर मोरबी समेत कई इलाकों में एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात, सेना और वायुसेना को भी मदद के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। देहरादून के पास सिल्ला में बादल फटने से 14 घर तबाह, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा के लिए जायजा लिया, पीड़ितों को सौंपा मुआवजे का चेक। भारी बारिश से दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड, कई सड़कों पर यातायात बंद, प्रशासन बंद पड़ी सड़कों को खोलने में जुटा हुआ है। विदिशा में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, कलेक्टर ऑफिस के सामने बने स्कूल में भी पानी भर गया है। बांसवाड़ा में नदी के तेज बहाव में बहे एसडीएम का 2 दिन बाद भी सुराग नहीं, गोताखोर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तलाश में जुटी हुई। दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 1,38,000 क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंचने लगा है। मौसम विभाग का मुंबई में आज तेज बारिश का अनुमान, शनिवार को बांद्रा, दादर, सांताक्रूज और अंधेरी समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी। रायगढ़ में जिंदल पावर प्लांट के 2 अधिकारियों के खिलाफ पूर्व महिला कर्मचारी ने दर्ज कराई छेड़खानी की शिकायत, पुलिस ने दर्ज किया केस। एयर एशिया की फ्लाइट में सफर कर रहे 174 यात्रियों की जान बाल बाल बची, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पक्षी के टकराने से रांची से दिल्ली जाने वाला विमान हादसे का शिकार होने से बच गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगले 5 सालों में 70 लाख नौकरियां मुहैया कराएगी, विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है। हरिद्वार के कांवड़ मेले में कांवड़ियों ने की आईटीबीपी जवान से बंदूक छीनने की कोशिश, चीना जप्टी में बंदूक से चली गोली, युवक गंभीर रूप से घायल। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने का असर, हरियाणा और पंजाब विधानसभा की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली बीजेपी के पदाधिकारियों और नेताओं से मुलाकात की, गुटबाजी खत्म और संगठन मजबूत करने की नसीहत दी। दिल्ली में जीएसटी को लेकर कांग्रेस का 18 जुलाई को जंतर मंतर पर आंदोलन, अजय माकन करेंगे इसकी अगुवाई। 19 जुलाई को रायपुर जाएंगे पीएल पुनिया, छत्तीसगढ़ प्रभारी बनने के बाद पुनिया का पहला दौरा, कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ 20 जुलाई को बैठक करेंगे।
एमपी के राजगढ़ में कार और बाइक के बीच हुई टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों की मौत, मरने वाले युवकों की नहीं हो सकी है शनाख्त। रायगढ़ की चक्रधर गौशाला में एक साथ 15 गायों की मौत से हड़कंप मच गया है, ज्यादा खाने की वजह से गायों की मौत का दावा किया जा रहा है। इंदौर के एमओआई अस्पताल में कैंसर यूनिट के बेसमेंट से युवक का शव मिला, पुलिस ने मामले की जांच शुरू। सुकमा के देवरपल्ली में शव को ले जाने के लिए अस्पताल से गाड़ी नहीं मिली, परिवार वाले शव को कंधे पर लादकर 4 किलोमीटर दूर गांव ले गए। मध्य प्रदेश के गुना में एडीएम नियाज अहमद खान की किताब तलाक 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 को लेकर प्रदर्शन, भारतीय मुस्लिम संघ ने की बैन की मांग। राजस्थान में जैसलमेर के तनौट माता मंदिर में सीएम शिवराज ने पत्नी के साथ पूजा की, बॉर्डर पर सैनिकों से भी सीएम शिवराज ने की मुलाकात। वीआईपी कल्चर खत्म करने की पंजाब सरकार की पहल, अब राज्य में लगने वाले नीम के पत्थर पर नहीं लिखा जाएगा किसी नेता का नाम। पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक सुखपाल सिंह का कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप, इस्तीफे की मांग। कोलकाता के एक वेस्ट मॉल में धोती पहने युवक को अंदर जाने से रोका गया, गार्ड से हुई तीखी बहस, मॉल प्रशासन के दखल के बाद मिली इजाजत। पश्चिम बंगाल के रायगंज में 2 आदिवासी महिलाओं से गैंगरेप, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग, दुकानों में की तोड़फोड़। मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पर युवती से अश्लील हरकत करने पर नाबालिग गिरफ्तार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। दिल्ली के मायापुरी के पास महिला ने की ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में ट्रक ड्राइवर की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। बीजेपी के स्थानीय नेता राकेश चंडोक के परिवार से बताई जा रही है महिला, पुलिस कांस्टेबल से भी बदसलूकी की गई। अहमदाबाद में लड्डू बांटने को लेकर हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद में छेड़छाड़ के शक में फोटो स्टूडियो में काम करने वाले युवक की पिटाई, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। हरियाणा के विहोवा में भाई ने चोरी के आरोप में भाई की डंडे से पिटाई कर दी, बाद में ट्रैक्टर के पीछे बांधकर घसीटा, गांव वालों ने छुड़ाया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भीड़ ने करंट लगाकर एक युवक को टॉर्चर किया, 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ा, कई दिनों से कर रहे थे परेशान। वाराणसी में पुलिस ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में पुलिस ने निशा केजरीवाल की हत्या के मामले में आदित्य राघव नाम के युवक को पकड़ा है, पड़ोस में ही रहता था आरोपी। मथुरा में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर मुस्लिम समुदाय के 2 गुटों में मारपीट, जमीन गलत तरीके से कब्जे का आरोप। कुशीनगर में अस्पताल की लापरवाही, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिवार वाले मरीज को ठेले पर लादकर घर ले गए। यूपी के बहराइच में गश्त लगा रही पुलिस जीप ने 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी, दोनों की मौत हो गई, मदद की बजाय मौके पर से जवान फरार हो गए। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, घर वालों का आरोप, पिटाई की वजह से जान चली गई। झारखंड के गुमला में कारोबारी श्यामलाल प्रसाद की हत्या की गुत्थी सुलझी, बेटे ने ही दी पिता की 5 लाख की सुपारी। राजस्थान के बीकानेर में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, अवैध हथियारों की बरामदगी, प्रतापगढ़ में 300 किलो डोडा चूरा मिला, तस्कर भाग गए। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओमकारेश्वर बांध से निकलने वाली नहर से 3 शव मिले हैं, पुलिस ने 2 की पहचान कर ली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक घर में हुई चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, पैसे चुराने के बाद मोटरसाइकिल भी चुराकर भागा चुका। कोटा में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदात को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, कॉलेज कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 गुटों के बीच हुई चाकूबाजी में 2 लोग घायल हो गए, दुकान में भी तोड़फोड़ की गई। छत्तीसगढ़ में सरगुजा के सरकारी अस्पताल में शराब के नशे में नर्स का हंगामा, चाकू दिखाकर मरीज को डराया, पुलिस ने काबू में किया। बिहार के छपरा में निजी बस संचालक ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के ड्राइवर की कर दी पिटाई, सवारी बिठाने को लेकर विवाद हुआ। नालंदा में एक महिला ने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली, ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान किए जाने का आरोप लगा। बीतिया में मेडिकल कॉलेज के अंदर फायरिंग, मैनेजर समेत 4 लोग घायल हो गए। आधार कार्ड की मदद से बेंगलुरु में मिला 20 साल का स्पेशल चाइल्ड, इंदौर के निरंजनपुर से 2 साल पहले लापता हुआ था नरेंद्र। सतना में बुजुर्ग के ऊपर से गुजरी मालगाड़ी, दोनों पटरियों के बीच लेटकर बुजुर्ग ने जान बचाई, हादसे में खरोंच तक नहीं आई। जिस प्राइस से सस्ता सेकेंड हैंड सामान बेचने पर नहीं लगेगा जीएसटी, सरकार ने जारी किया नया नियम। खाली सीटें भरने के लिए रेलवे का नया प्लान, शताब्दी समेत कई अहम ट्रेनों में मिल सकती है छूट,
अंतिम क्षणों में टिकट खरीदने पर मिलेगी रियायत। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है, न्यूजीलैंड को 186 रनों से हरा दिया। भारतीय कप्तान मिताली राज ने वनडे क्रिकेट में अपना 6वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया, 109 रन बनाए। वी कृष्णमूर्ति ने भी 70 रन बनाए। आईपीएल से 2 साल के बैन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की लीग में वापसी पर महेंद्र सिंह धोनी ने खुशी जाहिर की है। सीएसके की जर्सी पहनकर फैंस के लिए फेसबुक पर शेयर की तस्वीर। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सुंदर सिंह गुर्जर ने रचा इतिहास, जेवलिन थ्रो इवेंट में जीता गोल्ड मेडल। बैतूल की प्रियंका ने कराटे की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में जीता गोल्ड, बेटी को कॉम्पिटिशन में भेजने के लिए परिवार को लेना पड़ा था कर्ज। पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे की वजह से मधुर भंडारकर की फिल्म इंदू सरकार का प्रमोशन इवेंट रद्द कर दिया गया, फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। जयपुर में शाहरुख खान ने दाल बाटी चूरमा और घेवर का लुत्फ उठाया, शाहरुख फिल्म जब हैरी मेट सेजल का प्रमोशन करने जयपुर पहुंचे। अमेरिका में बंदूक से होने वाली हिंसा का विरोध तेज, कानून मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन। नेक्सी में नाटो देशों और यूक्रेन की नेवी का साझा युद्धाभ्यास, करीब 30 युद्धपोत अभ्यास में शामिल। अमेरिका के हवाई में 36 मंजिला इमारत में आग लग गई, झुलसने की वजह से 3 लोगों की मौत हो। अमेरिका के इडाहो में भी आग लगने से 2 घर जलकर खाक हो गए, पटाखा जलाने से ये बड़ा हादसा हो। चीन में भारी बारिश के बाद ओलों ने तबाही मचाई, 15 मिनट तक गिरे ओलों की वजह से फसलों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। माली में लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, संविधान में बदलाव किए जाने का विरोध हो रहा है। तुर्की में 7,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, पिछले साल तख्ता पलट की नाकाम कोशिश में शामिल होने का आरोप। चीन के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लियू शियाओबो का निधन हो गया है, चीन की सरकार पर इलाज के लिए विदेश जाने की मंजूरी नहीं देने का भी आरोप लगा है। रूस ने अमेरिका से चलने वाले रेडियो स्टेशन को फंडिंग की, वॉशिंगटन डीसी से चलने वाले रेडियो पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। बेलारूस में टेक ऑफ के बाद लड़ाकू विमान में आग लग गई, पायलट ने समय रहते कूदकर जान बचा ली। मिस्र के एक होटल में जर्मन नागरिकों पर चाकू से हमला कर दिया गया, 2 की मौत हो गई, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। चिली की राजधानी सेंटियागो में बर्फबारी से मौसम बदल गया है, 3 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है।